हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। आज मैथ्स टॉपिक 2 स्क्वायर रूट का जो मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला है वो देखेंगे। पहले ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला देख चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लाई ओके है। तो इसका जो आंसर आता है वो देखते हैं हम, पहले सॉल्व करते हैं फिर ट्रिक को जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। तो अब इज इक्वल टू एक्स लिया है तो हम बोथ साइड को अब स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे। तो पहले याद रखिए, जो हमने इसको लिया है, क्या लिया है इसको, इसको एक्स लिया है हमने, इसको एक्स लिया है। तो फाइव इंटू क्या हो जाएगा, एक ये रूट ऑफ चला जाएगा, फाइव इंटू रूट ऑफ फाइव इजिकल टू इन्फिनिटी इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने एक्स लिया था, क्योंकि इन्फिनिटिव है, मतलब इन्फिनिटिव है, उससे एक निकाल लेने से या एड कर देने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, ये फाइव एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फाइव इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स इजिकल टू एक्स आ जाता है। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, फाइव आया। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, अंदर जो है वही आएगा, अंदर जो है वही आएगा। ये गया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब देखते हैं इसका डिवीजन वाला कैसा होता है। इसका जो डिवीजन वाला देखते हैं हम, तो एट एट तीन लेते हैं इन्फिनिटिव वाला, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। तो जो इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो पहले जैसे ही करेंगे, इसको इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक रूट ऑफ चला जाएगा, तो एट डिवाइडेड बाय एट डिवाइड बाय एट ऐसे आ जाएगा। तो इसका क्या लिया था हमने, इसका वैल्यू कितना लिया हुआ था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने लिया था एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स 8 बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इम्प्लाई दैट 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 का रूट क्यूब इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे कि यहाँ पे जो होगा, अगर डिवाइड किया हुआ है तो इधर जो होगा उसका रूट क्यूब हो जाएगा। तो आपको क्या दिया जाएगा, जो होगा उसका रूट क्यूब दिया जाएगा। ये हो गया डिवीजन वाला। और एक मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं, जिसमें डॉट 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 या इन्फिनिटिव नहीं होगा। जैसे क्या, मान लीजिए हमारे पास है फाइव लेते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लाई होता है, कि कोई अगर साइन नहीं दिया हुए तो मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ये फाइव को लिख रहा हूँ पहले, फाइव इन द ब्रैकेट हाफ, एक रूट ओवर गया। अब क्या हुआ है, इसके साथ फाइव मल्टीप्लाई हुआ है, तो होल रूट इंटू फाइव फिर होल रूट। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पहले वन ये है हाफ इंटू फाइव, ये तो इसका भी है हाफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाफ है, ये जो हाफ है उसको यहाँ पर क्या होता है, ए टू द पावर एम, टू द पावर एम का क्या होता है, ए एम इंटू एन होता है। तो इसका पावर का पावर था, तो वो दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू क्या होगा, फाइव टू द पावर हाफ आ जाएगा। तो इजिकल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया इंटू, ये हो गया वन बाय फोर। तो हम क्या करेंगे उसको, ये फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, वन बाय एट इंटू फाइव टू द पावर वन बाय फोर इंटू फाइव टू द पावर वन बाय टू। तो इससे क्या आ जाएगा, फाइव क्या होता है, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन और ए टू द पावर जेड जाएगी। तो ये तीनों का सम हो जाता है, ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस जेड हो जाता है। तो फाइव टू द पावर एट गया, एट डिवाइडेड बाई वन, वन प्लस टू प्लस फोर इक्वल टू फाइव टू द पावर
सेवन बाई एट। तो इसका ट्रिक आ गया क्या, फाइव टू द पावर जो होगा वही आ गया टू द पावर वन बाई टू टू द पावर एन, टू टू थ्री एट, टू टू थ्री एट, टू द पावर टू टू दावर एन माइनस वन, टू टू दावर एन माइनस वन, इसका ट्रिक हो गया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।